अकेली क्यों बैठी हो? खेलने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। पापा कहते हैं मुझे स्ट्रांग बनना है और अपना ख्याल खुद। क्यों? आप तो अच्छी भली हो, खाना नहीं खाती ना टाइम पे? खाती हूँ पर सबकी तरह खेलना भी चाहती हूँ, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई है ही नहीं। आई एम अलोन। अब मेरी दोस्त बन जाओ, ठीक है? आप कौन है? मैं आपकी नई टीचर और आपकी नई दोस्त। पर आप तो उससे बहुत बड़ी हो। तो कोई बात नहीं, दोस्ती में उम्र थोड़ी देखी जाती है। दोस्त तो आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी मामा भी हो सकती हैं, है ना? क्या हुआ, 60 क्यों हो गई? मुझसे बहुत दूर है इसलिए। कहाँ है आपकी मामा? अनाया, मैडम तुम्हें रूम में बुला रही हैं। ठीक। मैं आती हूँ। सर 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 सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, इसमें आपके साइन चाहिए। सिग्नेचर नहीं, अभी नहीं, प्लीज सर। ये बाद में, बाद में, बाद में। मायर, कहाँ इतनी जल्दी में जा रहे हैं? अमी नूर से मिलना है, एक अर्जेंट मीटिंग है, आके बताता हूँ। क्या अर्जेंट? अर्जेंट मीटिंग है। तो बता रही थी बच्चे आपसे बहुत खुश हैं और चंद ही दिनों में आप इस फाउंडेशन का हिस्सा बन गई हैं। हमें ऐसी टीचर की ज़रूरत थी जो इन बच्चों के मिजाज को समझ सके। तुमसे पहले कई टीचर आई हैं लेकिन उनका अपना ही मिजाज था। अच्छा, उनके बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं, जरा सी लापरवाही से मुरझा जाते हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, देखभाल और प्यार से उनके जहनों की बहुत अच्छी नशोनुमा की जा सकती है, और इसके लिए उनकी उम्र और उनके सांचे में ढल कर उन्हें समझा जा सकता है। अनाया वेरी गुड, तुम औरों से बहुत डिफरेंट हो। तुम शेफ की फिल्म में जाना चाहती थी तो इस तरफ कैसे आना हुआ? सही कह रही हैं आप, बहुत से ख्वाब हैं मेरे, और उन छोटे छोटे ख्वाबों में एक छोटा सा ख्वाब ये भी था कि मैं इस मुल्क के मुस्तकबिल को अच्छा कर सकूं, जो मुझे इन बच्चों में नजर आता है। अनाया मुझे तुम पर बहुत फख्र है। अच्छा, घर जाने से पहले रबाब से मिल लेना। जी ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, आप भी सोचती होंगी कि मैं आपको फोन कर करके तंग करता हूँ, परेशान करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका ये मतलब है कि आपको अच्छा लगता है कि मैं आपको कॉल करता हूँ? जी यार, मुझे आपसे कुछ कहना है, और ये बात शायद आमने सामने होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं आपके सामने आऊंगा तो ये बात कर नहीं पाऊंगा। क्या बात है, कहिए। नया, मैं आपसे मोहब्बत कर। I really love you. और कैसे समझाऊं कि जब से मैंने आपको देखा है मैं सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा हूँ, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे
अनाया प्लीज, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे अनाया, माई जी क्या कह रहे हैं आप, क्यों बैठ गए यहाँ के? मुझे आपसे बात, माई मुझे आपसे, आप बैठे मैं चली जाती हूँ। अरे अरे अनाया, अनाया प्लीज मेरी बात तो सुने। माई ये क्या तरीका, क्यों तमाशा बना रहे हैं आप मेरा? प्लीज ऐसा बोले लोग कुछ और समझेंगे। अनाया मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, और मैंने जो कुछ भी कहा वो वाकई में मैं ऐसा ही फील करता हूँ। मुझे मुझे ऐसे लगता है कि मेरा आपके दिल से एक खास रिश्ता है, और मैं आपको अपनी इज्जत समझता हूँ और आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। हो गया? हाँ हो गया। मैं कल भी आपका यही इंतजार करूंगा, और अगर आप आई तो मुझे मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। साहब खूनी ने साहब बेटा नहीं थी मैं साहब, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। कहा ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अरे माया में उल्फत से चल, चाहतों का ये सिलसिला, बेचैन कितनी हसरतें, इश्क से कोई ना मिला, एहसास ये कितना हसी, मेहरबान तुझसे जो मिला, थोड़ा ही माने मोहब्बत का भरम तो। सॉरी सिमीन आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये मायर कहाँ है? मीटिंग थी मेरी, उसके पास एक फाइल है। अब नूर की तरफ गया है, बस आने ही वाला होगा। नहीं नहीं नूर तो उससे ऑफिस मिलने आए हुए थे। अच्छा चले आप परेशान ना हो, मैं अभी कांटेक्ट करती हूँ उससे, देखती हूँ कहाँ है। ठीक। मम्मी आराम से क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हूँ, देख नहीं रही कैसे गूंज पड़े हैं बालों में, क्या शौक चढ़ा होता है आजकल की लड़कियाँ तो बाल खुले ही रखती हैं बस। छोड़ो अपनी ये जो जोर आजमाई है ना, अनाया आप ही के बालों में किया करें, मुझे अपने ऐसे ही बाल पसंद है। हाँ पहले तुम पे तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम अनाया। वो अरे इसको क्या हुआ, रुकी क्यों नहीं? पता नहीं शायद थक गई होंगी। अब मैं आप ये जल्दी जल्दी खत्म करें। हाँ कर रही हूँ, ऐसे करो बारीक कंघी लेके आओ। जी जी बड़े लोग हैं, बड़े हैं तो अपने आप को समझते क्या है, कुछ भी कह दो, जरा सी हंस के बात क्या कर लो, फ्री हो जाते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, कोई बात नहीं है। क्या हुआ है आपको, किससे बातें कर रही हैं आप कमरे में अकेले अकेले? हटो, किसी से नहीं कह रही। और तुम अभी जाओ यहाँ से, मेरा मूड ना खराब करना, पहले ही दिमाग बहुत खराब हुआ है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बात जरूर है, वरना ऐसे अचानक आपका मूड इतना खराब नहीं होता। बताए ना क्या हुआ है, किसी ने छेड़ा आपको, या फिर किसी ने सीटी मारी, या कोई मोहब्बत भरा जुमला? सोनी तुम्हारा मसला क्या है, हर टाइम तुम्हें ये फजूल मजाक सूझता रहता है। अरे बच्ची नहीं हो तुम, अब बड़ी हो चुकी हो, तो सोच समझ के बोला करो और जाओ यहाँ से, अभी चली जाओ। अरे भाई हुआ क्या है, लेकिन बताएं तो। बाबा को पता चल गया तो उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? कल मुझे सारी डिटेल्स जो हैं टेबल पर चाहिए। ऑलराइट मैडम। कोई बहाना नहीं सुनूंगी। श्योर।
सुभान अल्लाह। वाह, ये नींद का कोई वक्त है? अगर नींद पूरी नहीं होती है तो छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो। मुझे काम में गैर जिम्मेदारी पसंद नहीं, यू नो इट। माफ कर दे मैडम, आइंदा नहीं होगा ऐसा। तुम्हारी माँ का फोन आया था, बहुत जोर से याद आ रही हो तुम उनको। कहीं इसलिए तो नहीं याद आ रही कि इंतजार कर रही होंगी कि मेरी बेटी आएगी, इस घर की मालूमात देगी सारी। सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा तुम, आ जाना वापसी में अपने बाप के साथ। तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हो गया? मुंह में दही जमा के बैठ गई हो, आवाज नहीं आ रही। तुम्हारी तरह फीकी और बदमज। अरे थोड़ी सी तो मिठास शामिल कर देती। वो जो तुम्हारी बहन है जो बड़ी बड़ी बातें करती है, कुकिंग एक्सपर्ट है, उसने कुछ सिखा के नहीं भेजा, ऐसी मुंह उठा के फुहड़ भेज दी। अब मेरी शक्ल मत देखो और चीनी डालो इसमें। लो, जहर मत बना देना, चीनी डालना। अम्मी मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे नई जूती चाहिए, तो मतलब मुझे चाहिए। अरे भाई तो कुछ रोज पहले तो तुम्हें नया जूता लेके दिया, अब और क्या करूं? वो आपने मुझे लुंडा से लेके दिया था, अब वो जूती एक्सपायर भी होने वाली है और वो कभी भी टूट सकती है। जब टूटेगी ना तो दूसरी ले लूंगी, मेरा दिमाग मत खाओ। हम जब नई चीजें लेते हैं तो पुरानी चीजें स्टोर करते हैं ना, तो मैं जूती फटने से पहले नई जूती क्यों नहीं ले सकती? अच्छा बाबा ठीक है, कल अपनी माँ के साथ जाके ले आना। देखा आपने, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं बाबा को एक बार बोलूंगी और वो मान जाएंगे, और एक आप हैं। अच्छा ये बताओ अनाया कहाँ है, नजर नहीं आई। अरे अनाया का क्या बताऊं, उसकी वजह से तो मैं खुद बड़ी परेशान। आज आई है घर, जब तो अजीब अजीब सी उसकी तबीयत लगी है मुझे। और इसको देखे ना, ये भी तो हर वक्त उसका दिमाग चाटती रहती है। इंसान थका हुआ घर आता है, आके रेस्ट करता है, फिर उसके साथ कोई बात करो ना, चिमट जाती है उसे। नहीं भाई इसे कुछ मत कहो, जा बेटा जा, अनाया को कहना मेरे लिए चाय बनाए। देख लीजिए आप, मेरे लिए हम चाय भेजो।
मैं कल भी आपका यही इंतजार करूंगा, और अगर आप आई तो मुझे मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मना। मुझे ये तो नहीं पता कि कल के बाद मैं तुम्हें पालूंगा हमेशा के लिए या खो दूंगा, लेकिन इतना जानता हूं मैं कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी, जितनी जिंदगी को सांसों की जरूरत होती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बाबा को और नहीं शर्मिंदा होने दूंगी। क्या सोच के इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात कर दी? आज तक मैंने किसी को खुद से इतना फ्री नहीं होने दिया। बस मुझे क्या, उनका दिल टूटे या रहे। ये रात मुश्किल है मगर गुजर जाएगी। इंतजार उस फैसले का है जो तुमने मेरे हक में करना है। अलाया ओ दिल, बेहाल है से है जुड़ा, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना, अनजान हम अनजान तुम, बेगुनाह सा है ये गुनाह। खाना लग गया सर, मैडम इंतजार कर रही हैं। आ रहा हूँ। जी। हानु, तुम्हारी कॉल का इंतजार करा था। क्या हाल है? यस मैडम, खाना लगा दूं? मायर आ जाए तो खाना लगा लो। लेकिन साहब तो शाम से ही घर पर है। मायर घर पर है? जी। लगा लो खाना, फिर बुला लो उसे, मैं आती हूँ। अनाया, आज तुमने अपने बाबा को चाय नहीं पिलाई। सॉरी बाबा, जहन से निकल गया, मैं अभी बना के लाती हूँ। बैठ, मैंने चाय पी ली, बैठ। तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। नहीं तो ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। अनाया, जितना तुम्हारी माँ तुम्हें समझती है उससे दुगना मैं जानता हूं तुम्हें। तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे मुतमईन नहीं कर सकती। बताओ क्या बात है? आप जानते हैं ना, आपकी बेटी सबसे ज्यादा मजबूत है और हर मुश्किल का सामना अकेले कर सकती है। बस बाबा, मैं चाहती हूं कि आप मुझ पे भरोसा रखें, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका ये मान कभी नहीं टूटने दूंगी। ये बात तो मैं जानता हूँ, जब ही तो तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहता हूँ। अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारी तरफ से मुतमईन कर देता हूँ। कल आपकी चाय पक्की। Thank you.
शाजिया तुमने मायर भाई को खाने पर आने के लिए कहा था? जी मैडम। आधा घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं। मैडम मैं फिर कह देती हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में, तुम जाओ। थैंक यू। एक सवाल को सुलझाया था तो दूसरा आम खड़ा हुआ। सवेरा को आमिर साहब से मोहब्बत हो गई और ये मौसुफ ड्राइवर की मामूली लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है। क्यों छोटे छोटे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे रिश्तों को दीमक की तरह खा जाए। करीम तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से मोहब्बत बड़ी महंगी पड़ेगी, छोड़ोगी? सॉरी नूर की कॉल आ गई थी। नूर की आजकल मसरूफियत कुछ बदल सी नहीं गई? मेरा मतलब है कि आजकल बिजनेस पर जरा ध्यान उसका कम है, कहीं किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? नहीं अम्मी, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you sure? नहीं नहीं अम्मी, not at all. मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम लोगों की तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो डिस्कस करते होगे लड़कियों को, बॉस। Sure, लड़की का चक्कर नहीं है। अम्मी कोई चक्कर नहीं है। आप तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं जैसे कि आप कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे मेरी अच्छी दोस्ती है और वो मुझसे हर बात शेयर करता है और ऐसा कुछ भी नहीं। और तुम? खैर जाने दो, कबाब खाओ, तुम्हारी पसंद के कबाब बने हैं आज। अनाया बेटा, अनाया। जी मम्मी। इतनी देर तक सो रही हो बेटा, उठ जाओ। हाँ वो रात ठीक से सो नहीं पाई थी। तो पहले ही समझ गई थी, इतनी खामोश खामोश हो जरूर कोई बात है। तेरी बेटी को किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई? नहीं माँ, आपकी और बाबा की दुआओं से मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है कि तुम पूरी रात सोई नहीं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, जल्दी से उठ के आओ, फिर तुमने फाउंडेशन भी जाना है, आ जाओ। नहीं माँ, आज दिल नहीं कर रहा, आज नहीं जाना मुझे। मेरा बच्चा, नई नई जॉब है, देखो ना अगर जी चुराओगी ना तो लोग तुम्हें गैर जिम्मेदार समझेंगे। जल्दी से आ जाओ, सुस्ती दूर करके मैं नाश्ता बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए। अच्छा। आ जाओ मेरा बच्चा जल्दी से। एक अच्छी सी चाय भी। जरूर जरूर जरूर। आज मेरा बेटा जरूरत से ज्यादा कहीं हैंडसम लग रहा है। इस ज्यादा हैंडसम दिखने की कोई खास वजह है? खास नहीं, बहुत खास वजह। अच्छा, मुझे नहीं बताओगे? I promise अभी वक्त आने पे आपको जरूर बताऊंगा। मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मेरे पास भी एक खास खबर है तुम्हें सुनाने के लिए आज। Really? वो क्या? हमारी कंपनी के MD बनने जा रहे हो तुम, मैंने फैसला कर लिया। आज बोर्ड की मीटिंग में मैं फैसला सुनाने वाली हूँ कि सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और आज से नफा नुकसान सारे फैसले तुम करो। How will I handle all of this? Why not? Of course करोगे। ये सारी एम्पायर किसके लिए खड़ी की है मैंने? तुम्हारे लिए।
तुम संभालोगे। सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले करके मैं बस आराम करना चाहती हूँ। सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन ये सब अकेला मैं किस तरह करूँगी? अकेले कहाँ होंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँगी हर वक्त। हो सकता है इतना बड़ा बिजनेस संभालने के बाद तुम्हें अपने लिए वक्त ना मिले, लेकिन एक कामयाब बिजनेसमैन होने के लिए यही वक्त यही उम्र मुनासिब है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे बेटा? आधे घंटे में मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं आ रही हूं। ऑलराइट, गुड लक। चाय लो ना। अच्छा तो आज तुम इसलिए फाउंडेशन नहीं गई? लेकिन वो तुम्हारा इंतजार तो करेगा। तो मैंने थोड़ी कहा है कि मेरा इंतजार करे, मत करे। अरे कब तक कतराओगे उससे? मिल के उसे अपना फैसला तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना नाया। कोई फैसला है ही नहीं फरिया, पर मेरा और उसका मैच नहीं बनता। जो उसको मोहब्बत लग रही है ना, महज वो एक अट्रैक्शन हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो अगर खुदा ने उसके दिल में ये बात डाली है तो हो सकता है कि वो तुम्हारे नसीब में भी लिखा हो। अगर ऐसा हो गया ना तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। जानती हो ना मुझे, मैं ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं रहती। फिलहाल तो सिर्फ मुझे बाबा की फिक्र है फरिया। फिलहाल मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाबा की बरसों पुरानी ईमानदारी पे कोई उंगली उठाए। ये बात तो वो भी जानता है ना कि बाबा उनके पास नौकरी करते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी उसने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो हो सकता है कि उसके जज्बात सच्चे हों। मैं तो कहती हूँ कि तुम अम्मी और बाबा को भी ना अपने एतमाद में ले लो। परेशानी शेयर करने आई थी मैं तुमसे, उल्टा तुम मुझे अपने मशवरे दे रही हो। खैर मैंने कर लिया तय। अब क्या तय किया? खैर कहाँ हैं घर वाले तुम्हारे? मुनीब तो ऑफिस गए हैं और अम्मी और अब्बू अभी बाहर गए हैं घर का कुछ सामान लेने। अकेला छोड़ के तुम्हें? अरे अब मुझे डर नहीं लगता। चाय तो पियो ना। हाँ जी। अच्छी बनी है। Ladies and gentlemen, let's welcome our new MD, Mr. Meyer. Thank you for the opportunity. Our meet the company, our team, our team, and let's make this company. दुनिया भर का सामान खरीद डाला तुमने, मेरे तो कल कल जवाब दे गया भाई। थक गया हूँ, एक कप चाय पिला दो मुझे। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी थक गई हूँ। बहू को आवाज दो, वो ही ला देगी। जिस तेजी से तुम सामान उठा उठा कर ट्राली में डाल देती हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम थक गई हो। तो मैंने कहा बस कर दो, मन दो ढाई घंटे से पहले तुम वहां से टलने वाली नहीं थी। तुम्हें ना उम्र की थकान है, पूरे 8 साल बड़े भी तो हो मुझसे, जाहिर बुढ़ापे में थकान हो ही जाती है। अरे फरियाल, फरियाल। शादी को 35 साल हो गए गजाला बेगम, लेकिन तुम्हारा शिकवा नहीं जाता मुझसे। मेरे चुप रहने से कौन सी तुम्हारी उम्र चुप जानी है। अच्छा अभी बस कर दो, बहू आ रही। जम्मी कहाँ मर गई थी? आवाज पे आवाज दिए जा रही हूँ तुम्हें। इतनी तौफीक नहीं होती कि सास ससुर बाहर से आए हैं, चाय पानी ही पूछ लूं। हमारे पीछे कौन आया था घर में? देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने खुद चप्पल के निशान देखे हैं। अनाया आई थी घर पे।
आई थी या फोन करके बुलाया था? और क्या क्या भर के भेजा है उसे? भाई पूरे 2 महीने का राशन था जो 25 दिन में खत्म हो गया। इससे पहले तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हर चीज ही गायब हो जाए। ये आप किस किस्म के इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। तुम तो आई घर खाली करने हो, मगर मेरा बेटा मुनीब बड़ी मेहनत से कमा के लाता है। अगर उसका एक पाई पैसा भी इधर से उधर किया ना, तो अल्लाह के घर देनदार होगी तुम। अल्लाह के घर देनदार मैं ही नहीं, इल्जाम लगाने पे ना आप भी देनदार रहेंगी। बेटा तमीज से बात कर, तुमसे बड़ी है ना। अबू आप देख नहीं रहे किस तरह के इल्जाम तराशी कर रही है मुझ पे ये? देखा देखा, मुझे तो मुझे तुम्हें भी जवाब दे रही है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से अपने कमरे में। मुनीब आएगा ना तो खुद ही अकल ठिकाने लगाएगा। मैं बना के लाती हूँ चाय तुम्हारे लिए। हार के घर आओ, सारे काम अगर मुझे ही करने थे तो इसके आने की क्या जरूरत है। माय, एमडी बनने की मुबारकबाद सबसे वसूल कर रहे हो, मुझसे नहीं लोगे? थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा मुझे थोड़ी देर हो रही है, मुझे कहीं जाना है, आके बात करते हैं। तुम कहीं जा रहे हो तो मुझे भी ड्रॉप कर दो रास्ते में। एक्चुअली हमारे रास्ते अलग हैं, मैं लेट हो जाऊंगा, आई एम सॉरी। रास्ते अलग हैं बेटे, लेकिन मंजिल दोनों की एक ही है। तुम नीचे के लिए अपना रास्ता नहीं बदल सकते। मैं उसे यही बता रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा। बेटा गाड़ी तो इसके पास भी है, लेकिन ये तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, प्लीज मेरा ख्याल है तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। आदु। ऐसा चलाओ मायर। क्या मसला है भाई? मेरा शादी से पहले मरने का कोई इरादा नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे जरूरी काम से पहुंचना है। इतना अहम क्या है कि उसके लिए तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है? हाँ तो खुद अंदाजा लगाओ ना, कोई इतना अहम काम होगा ना। बताओ तुम्हें कल किधर छोड़ना है यार, जल्दी बताओ। वो तो मैंने ऐसी बहाना बनाया था। क्या इसे यार, ये क्या तरीका है? सबीना आंटी को समझ आ गया, मगर तुम्हें समझ नहीं आया। हम सारा वक्त ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। अभी तुम्हारे साथ बाहर जाने का मौका मिल रहा था तो मैं इसे गवाना नहीं चाहती थी, इसलिए ये बहाना कर दिया। समझ नहीं आती, तुम्हें पता है कि मुझे एक जगह पहुंचना था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, हद होती है यार। वो मायर इतनी छोटी सी बात है, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? छोटी सी बात नहीं है ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे पहुंचना था एक जगह टाइम पर। अगर तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा गुस्सा करने की वजह से मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा नहीं आ रहा, और अब तो वैसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना।